ओम शांति। आज ही हम सुना रहे हैं कि धर्मराजपुरी क्या है और धर्मराजपुर में कब और कैसे सजा मिलती है। लोग ये कहते हैं अगर मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो धर्मराजपुरी में जाकर उनको सजा भोगनी पड़ती है, लेकिन धर्मराजपुरी कहाँ है और कैसे सजा मिलती है ये किसी को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन शास्त्र के अनुसार लोग ये कहते हैं मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा पहले पहले धर्मराज के पास पहुंचती है और धर्मराज के पास पहुंचने के बाद धर्मराज उनका कर्मों का खाता देखते हैं और चित्रगुप्त उनके जीवन की कर्म कहानी सब कुछ सुनाते हैं, तिथि तारीख सहित कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या किया सब कुछ सुनाते हैं। और ये सब कुछ सुनने के बाद अगर किसी ने कोई पाप कर्म किया उसके अनुसार धर्मराज उनकी सजा सुनाते हैं और धर्मराज सजा सुनाने के बाद यमदूत उनको जाकर वो सजा देते हैं। और शास्त्रों में धर्मराजपुरी की सजाओं के बारे में जो कुछ वर्णन है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम यहाँ सब कुछ देखते हैं। कहते हैं अगर कोई पाप कर्म करते हैं तो किसी का अंग को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, या तो किसी को आग में डाल देते हैं, किसी को गर्म तेल में डाल देते हैं। ये जो कुछ सजाओं के बारे में वर्णन है प्रैक्टिकल में हम सब इस दुनिया में हम देखते हैं। इस दुनिया में कोई भी शरीर छोड़ते हैं, कैसे शरीर छोड़ते हैं, इस दुनिया में मृत्यु तो भी एक मृत्यु का दंड मिलता है। कोई भी इस दुनिया में कोई आसानी से आराम से कोई शरीर छोड़ नहीं सकता। ये शरीर को छोड़ना भी एक मृत्यु के दंड से शरीर छोड़ना पड़ता है, अर्थात कोई फांसी लगा के शरीर छोड़ते हैं, कोई आग में जलकर कोई शरीर छोड़ते हैं, कोई पानी में डूबकर शरीर छोड़ते हैं, कोई जहर पीकर शरीर छोड़ते हैं, कोई तलवार के धार से कोई शरीर छोड़ते हैं, कोई गोली खाकर शरीर छोड़ते हैं। इस प्रकार से कोई ना कोई सजा भोग कर ही शरीर छोड़ते हैं। आसानी से आराम से कोई शरीर छोड़ नहीं सकते हैं। जो भी यहाँ पाप कर्म करते हैं इस प्रकार से कोई एक दंड से ही वो शरीर छोड़ते हैं। तो वास्तव में धर्मराजपुरी कहाँ है और कैसे सजा मिलती है अगर आप विचार करेंगे तो आप खुद भी समझ सकते हैं। आप खुद ही विचार करके देखिए सारी दुनिया में रोज कितने लोग मरते हैं। रोज लाख से 2 लाख लोग रोज मरते हैं। ऐसा कोई कोर्ट जहां लाख से 2 लाख लोग रोज वहां हाजिर हो और एक एक का वहां कर्म कहानी बताया जाए और एक एक को सजा सुनाया जाए और एक एक को इस प्रकार से सजा दिया जाए, इस प्रकार से वास्तविकता नहीं है। वास्तव में क्या है, अब स्वयं भगवान निराकार परमात्मा इस ब्रह्मा के तन में आकर हमें सुना रहे हैं कि धर्मराजपुरी कहाँ होती है और कैसे धर्मराज की सजा मिलती है। स्वयं भगवान सुना रहे हैं कि धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है, जहां आत्मा को दर्दनाक सजाओं का अनुभव होता है वही उनके लिए धर्मराजपुरी है। और अंत समय अपने ही किया हुआ पाप अपने सामने डरवाने के रूप में आते हैं और उस समय पश्चाताप की घड़ी होती है। जो भी छोटे मोटे जो भी पाप किया हुआ है वो बड़े बड़े भूत के समान सामने आते हैं। वो चाहते हुए भी बुद्धि से आंखों से उसको हटा नहीं सकते, जैसे कि उसके लिए वो यमदूत के समान सामने आते हैं, बड़े बड़े भूत के समान लगते हैं। उसी को ही यमदूत कहा जाता है। बाकी उस प्रकार से कोई चैतन्य में यमदूत उसके सामने नहीं आते हैं ताकि उस प्रकार से उसको ले जाए और उसको उस प्रकार से कोई सजा दे। इस प्रकार से चैतन्य में कोई यमदूत उसके सामने नहीं आते हैं, लेकिन अपने किए हुए पाप ही उनको यमदूत जैसा लगता है और ऐसा कष्ट का अनुभव करते हैं जैसे चमड़ी को कोई खींच रहे हैं। अपने किए हुए पाप कर्म की सजा वो दर्द कष्ट वो भुगते रहते हैं। थोड़े समय में वो ऐसा अनुभव करते हैं जैसे कोई वर्षों से लंबे समय से ये दर्दनाक कष्ट वो भोग रहे हैं, और थोड़े समय में बहुत समय का किया हुआ पाप कर्म की सजा वो भोगने का अनुभव करते हैं। उसी को ही धर्मराजपुरी कहा जाता है। और दूसरी बात जो स्वयं भगवान ने सुनाया कि शरीर छोड़ने के बाद जब आत्मा दोबारा शरीर लेने के लिए गर्भ में प्रवेश करते हैं, गर्भ के अंदर में भी वो धर्मराजपुरी की सजा मिलती है। गर्भ के अंदर ही उसको सबसे बड़ी सजा मिलती है। कैसे,
उस पर पहले से एक वीडियो डाली हुई है, चाहे तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यह शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, जैसे इस दुनिया में कोई पाप कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, और जेल में बंद होकर ही उनको पाप कर्म की सजा का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार ये गर्भ भी उनके लिए गर्भ जेल है, जेल समान है, और ऐसा जेल जैसे कि एक अंधेरी कोठरी, रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है, अंदर में उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाहर का सब कुछ सुनाई देता है। कोई जानवरों की आवाज, कोई मोटर ट्रेन की आवाज, कोई मनुष्य की आवाज, सब कुछ आवाज सुनाई देते हैं, और अंदर में वो भय से, पश्चाताप से, घड़ी घड़ी मरने का कष्ट, पीड़ा, दर्द का अनुभव करते हैं। जैसे कोई सपनों में कोई दर्द पीड़ा का अनुभव करते हैं, कोई सजा का अनुभव करते हैं, इसी प्रकार वो गर्भ में हमेशा ही वो दुख, कष्ट या पीड़ा का वो अनुभव करते रहता है। लेकिन जब वो जन्म ले लेते हैं, दोबारा जन्म लेने के बाद वो बाहर की दुनिया को देखते हैं, फिर से वो पिछले सब कुछ वो भूल जाते हैं और फिर से वो पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब बातों को हमें याद रखनी है और हमें पाप कर्म करने से अपने को बचा के रखना है। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगे तो आपके संपर्क में जो भी हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम शांति।